यूसीसी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि एक घर में दो कानून कैसे चल सकते हैं, ये विवाद लगातार और गहराता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए वीएचपी से कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि यूसीसी को लेकर विवाद और बढ़ता क्यों जा रहा है? इसकी चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं और अभी भी हो रही हैं। कई ऐसे धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, जिनकी तरफ से बयान आया कि ये हमारी मजहबी आज़ादी छीनना चाहते हैं, क्या कहेंगे? मुझे आश्चर्य है कि इस पर विवाद हो रहा है, क्योंकि ये तो संविधान के आर्टिकल 44 का आदेश है। सब सरकारों को यह निर्देश देता है संविधान कि वो जल्दी से जल्दी भारत के पूरे क्षेत्र में सब नागरिकों के लिए एक कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता बनाए। और यह जितने भी सांसद और विधायक हैं, ये जीतने के बाद प्रवेश करने के पहले शपथ लेते हैं कि वे संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेंगे। तो अगर यह श्रद्धा और निष्ठा है तो संविधान के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये व्यक्तिगत आज़ादी की बात केवल परिवार के मामले में क्यों है? आपराधिक मामलों में तो इंडियन पीनल कोड लागू होता है, शरिया का कानून नहीं लागू होता। कोई चोरी करे तो हाथ काटने का दंड नहीं है। तो जब पीनल कोड, इसमें शरिया का कानून नहीं है, सबके लिए एक सा है, बैंकिंग लॉस, कमर्शियल लॉस, कॉन्ट्रैक्ट के लॉस, प्रॉपर्टी के लॉस, इसमें से किसी में शरिया का कानून शामिल नहीं है। यहाँ तक कि जिस सूदखोरी को मुसलमानों में निषेध किया गया है, वैसे सारे बैंकिंग लॉस भी हैं। तो केवल परिवार के कानून अलग क्यों रहे? यह भी एक से होने चाहिए। और इसलिए बने कि नहीं बने इस पर विचार करने के बजाय, कैसा बने, क्या हो, इस पर पूरा देश मिलकर विचार करे। सब धर्मों में जो अच्छा है, ठीक है, उचित है, उसको लिया जाए और जो पुराना हो गया है उसको छोड़ दिया जाए। पुराना क्या हो गया है जिसको छोड़ा जाए? मैं आपको उदाहरण दूंगा। जिस समय इस्लाम अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में शत्रुओं से घिरा हुआ था, युद्ध होते थे, और उस युद्ध में, बदर के और बाकी युद्धों में, बहुत सारे नौजवान मारे जाते थे, स्त्रियां विधवा होती थीं, बच्चे भी होते थे, उस समय पुरुषों की कमी के कारण ये बात आई कि चार शादियां करो। पर आज तो वो ठीक नहीं। आज तो पुरुष और महिला की समानता का समय, आज तो महिला की गरिमा की रक्षा होनी चाहिए, उसको अपने तबेले में बंधे हुए मवेशियों की तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता कि चार शादी कर लो और जिसको चाहो जब छोड़ दो, कोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं, कोई सहमति बताने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे लगता है कि जैसे दो मुस्लिम देशों ने भी कहा कि एक पत्नी होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, पाकिस्तान ने भी ये कहा कि दूसरी शादी करनी है तो पहली पत्नी की लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। तो आज के सभ्य समाज में जहाँ महिलाएं पुरुष के साथ कदम से कदम बढ़ाकर बढ़ रही हैं, जहाँ संविधान समानता की गारंटी देता है, जहाँ संविधान की प्रस्तावना मनुष्य की गरिमा को आश्वस्त करती है, वहाँ विवाह और तलाक के बारे में जो नियम हैं वो बदले जाने चाहिए। इद्दत है, पर जो हलाला है कितना अमानवीय है। अगर कोई तलाकशुदा महिला और उसका पति दोबारा इकट्ठा रहना चाहते तो उस महिला को पहले किसी और से विवाह करना पड़ेगा, उसके साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, संबंध बन जाने के बाद में वो उसको तलाक देगा। अमानवीय है, कष्टकर है, जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। और मैं आपको कहूँ कि ये केवल मुसलमान के साथ नहीं है। क्या हिंदुओं में सती प्रथा नहीं थी? सती प्रथा को कानून बनाकर समाप्त किया, बाल विवाह को कानून बनाकर समाप्त किया, दहेज की प्रथा को कानून बनाकर समाप्त किया, बहुपत्नी को भी किया। इसलिए हिंदुओं ने भी कदम बढ़ा करके युग के साथ चलने का प्रयत्न किया है।
राजनीतिक बहस बहुत ज़्यादा हो रही है। कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि अगर नियम यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों के लिए बदलते हैं तो अंतिम संस्कार के जो नियम हैं वो क्यों नहीं बदले जा रहे हैं। तो क्या अंतिम संस्कार हो या विवाह संस्कार हो, इनके नियम भी बदले जाएंगे क्या ड्राफ्ट से लग रहा है? अभी तो ड्राफ्ट बना नहीं है, अभी तो सुझाव मांगे जाएंगे, मांगे गए हैं, सब लोग सुझाव दे रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा कि कुछ लाख सुझाव आए। इसलिए ये कहना कि दफनाएंगे या जलाएंगे, मुझे कोई व्यक्तिगत पूछेगा तो हिंदू जलाएं वो दफनाएं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। इस तरह से हर चीज़ झगड़े वाली नहीं होगी और ना यह हिंदू कानूनों का विस्तार होगा। ये तो सब धर्मों की अच्छी बातों को लेकर कानून बनेगा, इसमें किसी को आशंका नहीं रहनी चाहिए। अब ट्राइबल्स के लिए क्या रियायतें मिलनी चाहिए? क्योंकि जब आप हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में समझा रहे थे उसमें भी ट्राइबल्स को जो है वो इन नियमों से अलग रखा गया है कई जगहों पर। कहूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट सब हिंदुओं पर लागू होता है और उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि ये सब जनजातीय लोगों पर लागू नहीं होगा। जो जो इसके लिए तैयार होते जाएंगे तो केंद्र सरकार उसकी अधिसूचना जारी करेगी कि ये चार जो जनजातीय कबीले हैं इन पे लागू होगा। इसलिए कॉमन सिविल कोड में कुछ अपवाद नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। हिंदू लॉज में अपवाद किए गए हैं, वैसे ही और भी अपवाद जहाँ पे आवश्यक होगा वो किए जा सकते हैं। क्या आपसे सुझाव मांगा गया है और अगर मांगा गया तो आपने क्या क्या सुझाव दिया? क्या आपने रियायत की बात की है? हमसे मांगा नहीं गया है, उन्होंने कहा है अपनी अधिसूचना में कि सब धार्मिक संगठन भी चाहें तो दे सकते हैं। हम लोग विचार करेंगे, आवश्यक होगा तो देंगे। विचार कर रहे हैं देने का सुझाव, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो विवादित हो सकते हैं, थोड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं, उन सब पर विशेष तौर पर VHP से मांग की जाएगी कि वो सुझाव दे। मुझे नहीं लगता कि हमसे अलग से मांग की जाएगी, पर देश के नागरिक होने के नाते हमको भी विचार करना और कर्तव्य है कि हम अपना संस्तुति देंगे। ट्राइबल्स के रियायत पे हम देंगे, मिलना चाहिए कि नहीं? हिमाचल में नहीं, उत्तराखंड में जो आयोग बना है उसके लोगों से मेरी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि वहाँ के ट्राइब्स तैयार हैं, वो चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड के अंतर्गत आए, तो जो आए उनका स्वागत है और जहाँ पे सरकार को या संसद को लगे कि कुछ ट्राइब्स के लिए प्रतीक्षा करनी है तो वो वैसा सोचेंगे। क्या अंत में होगा मैं नहीं कह सकता, पर एक अधिक से अधिक व्यापक सहमति के आधार पर ये बनना चाहिए। ये युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। HUF को लेकर क्या कहेंगे? हिंदू यूनाइटेड फैमिली को लेकर के जो नियम है उसमें भी बदलाव आए? HUF के नियम बहुत कुछ फैमिली लॉ के नियम नहीं है, बेसिकली वो टैक्सेशन के पर्पज से काम आते हैं। कोई परिवार संयुक्त रहना चाहते हैं तो वो नागरिक संहिता का उल्लंघन नहीं होता, जहाँ संयुक्त नहीं रहते हैं वो उनकी मर्जी है। इसलिए मुझे लगता है कि HUF की प्रथा को कानून के द्वारा समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं होता। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम के लिहाज से यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ ऐसे जो सुझाव दिए गए हैं वो गलत नहीं है, बल्कि बाकी जो धर्म है, हिंदू हो या जैन्स हो, उनको भी इसका बॉयकॉट करना चाहिए। हिंदू और जैन तो पहले ही एक सिविल कोड में बंधे हुए हैं और अब से नहीं, लगभग 70 साल से बंधे हुए, इसलिए बॉयकॉट करने की मांग उचित नहीं है। हिंदू लॉज जैन बौद्ध और सिखों पे भी अप्लाई होते हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे भ्रांतियाँ दूर होंगी, ये जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। मैं आपको कहूँ मुझे जल्दी भी नहीं, इस पर एक व्यापक विचार होना चाहिए, अधिक से अधिक सहमति बनाने का प्रयत्न होना चाहिए। इतने साल में नहीं बना, 73 साल में संविधान के, तो आज शाम को बन जाए ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। क्यों नहीं बना 73 साल में? आपको लगता है कि पहले भी इस पर पहले जो सरकारें आईं उनको विचार करना चाहिए था?
मैं आपको कहूं कि सरला मुदगल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बनाना जरूरी है। मुझे अभी किसी व्यक्ति ने लगभग 30 जजमेंट्स भेजी हैं सुप्रीम कोर्ट्स की और हाई कोर्ट्स की, जिसमें कोर्ट्स ने कहा है कि भाई एक देश में दो कानून कैसे रह सकते हैं, ये बनना चाहिए। पर मुझे लगता है कि मुसलमान या अल्पसंख्यक वोटों की चिंता में जो उचित काम है वो भी नहीं किया गया, और इसके लिए मैं पिछली सरकारों को दोषी मानता हूँ। मुसलमान में कई ऐसे लोग हैं जो हो सकता है इसको सांप्रदायिक मानते हो, और हिंसाएं अगर भड़क जाती है, हिंसा अगर इस तरीके से देखने को तस्वीर मिलती है तो क्या होगा? मैं नहीं समझता कि हिंसा भड़केगी। लोगों ने हमें बहुत सारे मौक़ों पर डराया था। राम जन्मभूमि के मंदिर के विषय में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो फिर सबने स्वीकार किया, हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई। 370 अगर समाप्त होगा तो पता नहीं देश में गृह युद्ध हो जाएगा, अरब का तेल मिलना बंद हो जाएगा, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो हम पर सेंक्शंस लगा देंगे। कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि इस देश के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो समय के साथ चलना चाहता है। मैं इसमें से हिंसा की संभावना को नहीं देखता। आखिरी सवाल है, मध्य प्रदेश में मदरसा जाने वाले बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, वो क्लासेस जो है वो अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? मुझे दुख है। मुझे मैंने देवबंद के जो प्रमुख हैं उनका भी बयान पढ़ा था, और उन्होंने कहा था कि देवबंद में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी, अंग्रेजी भाषा, गणित, उनके यहाँ जो कुरान पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ सकते। अब हम कल्पना करें कि 18-20 साल का युवक है, उसने कुरान तो हिजब की है, पर वो बस स्टैंड पर कौन सी बस आती है और रुकती है ये पढ़ना नहीं जानता, वो तनख्वाह के पैसे गिनना नहीं जानता, तो क्या ये उसके साथ न्याय है? क्या वो उस तरह से अपना जीवन बसर कर सकता है? इसलिए मुझे लगता है कि मदरसों की शिक्षा में मुसलमानों को स्वयं होकर कुरान हिजब कराना अच्छा काम है, इस्लामिक टेनेट्स के बारे में बताना अच्छा काम है, पर उनको युग के साथ चलने के लिए तैयार करने के लिए बाकी विषयों की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो VHP के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और ये कह रहे हैं कि इस पर व्यापक विचार हो UCC पर, और कोई जल्दीबाजी ना हो। इसके साथ साथ हिंसा भड़काने को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, पहले भी ऐसा हुआ है लेकिन ऐसा इसमें संभावना दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। अपने सहयोगी जितेंद्र कुमार के साथ निधिश्री, EBP News, दिल्ली।